जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विराट चौधरी और आप सभी को बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली होने वाला है कि पैरामिलिट्री फोर्स को पेमेंट के अलावा जो मंथली जो सैलरी मिलती है दोस्तों, उसके अलावा और कौन कौन सा पैसा मिलता है और कब कब मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पैसा आज सभी के परिवार की बेसिक नीड है। और मुझे पता है जितने भी मेरे भाई छोटे जो मेरी तरह फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी पैसे की बहुत नीड है। बेरोज़गारी भी फैल रखी है देश में बहुत ज़्यादा, तो वो रोज़गार के रूप में भी जॉब को देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने परिवार को चलाना होता है तो उसके लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता आज के जो जीवन शैली है अपनी, इसमें पैसा एक बहुत ही बड़ा मापदंड है। आपके जीवन कैसा रहेगा ये डिसाइड करता है कि आपके पास में कितना पैसा है, तो इसके लिए भी बहुत बड़ा एक मापदंड है। तो मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री में पेमेंट के अलावा और मतलब मंथली जो आपकी सैलरी मिलती है उसके अलावा और कौन कौन से पैसे कब कब मिलते हैं और किस रूप में मिलते हैं दोस्तों। तो ये पूरे में आपको कौन कौन से फंड के रूप में आपको पैसे मिलते हैं वो सभी का मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। साथ में बता दूँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे दोस्तों। तो आगे बता दूँ मैं दोस्तों कि आपको SSC GD से संबंधित बेस्ट चॉइस कौन सी, SSC GD में पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है और सैलरी इत्यादि के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि SSC GD में जो पैरामिलिट्री में जब जवान लगता है उसको मंथली सैलरी के बारे में मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों। एक्स्ट्रा पैसे कौन कौन से मिलते हैं तो शुरुआत करते हैं, आप सभी को पता अभी दीपावली है तो दीपावली से ही शुरुआत करते हैं। अगर आप एज ए कॉन्स्टेबल CRPF BSF CISF ITBP या सम राइफल में एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपको 6,900 रुपये अभी प्रेजेंट टाइम में दीपावली का बोनस मिलता है। 6,900 रुपये यानी 6,700 रुपये आपको दीपावली का बोनस मिलता है दोस्तों। इसके अलावा आपको हर साल की जुलाई मंथ में 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस मिलता है दोस्तों। ये बड़े बड़े मैं पहले अलाउंस बता रहा हूँ आपको, 10,000 वर्दी अलाउंस मिलते हैं दोस्तों। वर्दी अलाउंस यानी आपके जो वर्दी सैलानी हैं, जैसे कोई भी कॉम्बैक्ट या नॉर्मल जो वर्दी सैलानी, इसके लिए 10,000 रुपये मिलते हैं। बाकी जूते वूते वो सभी आपको गवर्नमेंट से मिलते हैं, जूते कंबल दरी वरी ये सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट से मिलती है। ये भी बता दूं कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे आपको कंबल मिलेंगे, दरी मिलेगी, बक्सा मिलेगा और आपको कंबाइड का कपड़ा भी मिलेगा, जूते मिलेंगे टाइम टू टाइम, आपके फटेंगे नहीं उससे पहले आपको जूते मिल जाएंगे, दोनों प्रकार के DM और जंगल शूज़। इसके अलावा बेल्ट टोपी टाई ऐसे मतलब टोटल सामान ये मिलेगा दोस्तों। अब इसके अलावा बात हो गई 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस और दिवाली बोनस। अब इसके बाद में आते हैं दोस्तों TPT ट्रांसफ़र टी। जब आपका एक जिसी से दूसरी जिसी में ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, तब आपको उस समय एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे अगर मान लो आप किसी जिसी के ग्रुप सेंटर के अंडर में अभी हो और अगले ट्रांसफ़र में आप किसी दूसरे ग्रुप सेंटर के अंडर में जाते हो दोस्तों, तो वहाँ पर जर्नी पीरियड यानी जाने का आपको पैसा मिलता है दोस्तों, वो आपकी पेमेंट का 60% से ऊपर होता है दोस्तों। तो मतलब आपकी पेमेंट अगर 25,000 है तो 18-19,000 रुपये के आसपास आपको वो पैसा भी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा आपको हर महीने रम अलाउंस मिलता है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे आप कर्मी सीजन में रहोगे तो ज़्यादा है, नीचे रहोगे तो कम है, ये अलग अलग जगह अलग अलग रूप से मिलता है दोस्तों। HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंस, ये आपको मैं बता दूँ 3 प्रकार से मिलता है, 8%, 16%, 24%। 24% में आते हैं महानगर जैसे दिल्ली मुंबई ये, 16% में जैसे जयपुर इंदौर ऐसी सिटियाँ, विशाखापट्टनम हैदराबाद ये ऐसी सिटियाँ, ये आती है 16% में। और 8% में गांव, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वो 8% में आते हैं दोस्तों। जैसे तहसील होगी कोई छोटी ग्रामीण क्षेत्र में तो वो 8% में आते हैं। 8% मतलब बेसिक पे उसका 8% HRA उनको मिलता है, मतलब घर के किराए के रूप में। हाँ, जो गवर्नमेंट फैमिली क्वार्टरों में जो अपनी फैमिली रखता है उसको ये पैसा नहीं मिलता दोस्तों। ये पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी फैमिली साथ नहीं रखते हैं, तो उनको प्रति महीना वो जिस सिटी में रह रहे हैं उनका जहाँ का एड्रेस है उस सिटी का मतलब HRA कितना डिसाइड हो रखा है। अगर 24% है तो उसको पेमेंट का 24% प्रति महीना मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा कई जगह TA भी मिलता है, तो TA जहाँ मिलता है वहाँ रिस्क अलाउंस नहीं मिलता दोस्तों। रिस्क अलाउंस के बारे में भी मैंने बताया है कि रिस्क अलाउंस 3-4 प्रकार से चलते हैं, एक हाई रिस्क अलाउंस, डाउन और बिल्कुल लो रिस्क अलाउंस।
तो कम से कम जो रिस्क अलाउंस है अभी प्रेजेंट टाइम में पैरामिलिट्री में वो है 7,500 कम से कम, और हाईएस्ट है वो बीएसएफ में अभी तक हाईएस्ट उसमें 20,000 कुछ समथिंग 500, सीआरपीएफ में हाईएस्ट है 17,500, सीआईएसएफ में भी हाईएस्ट 17,000 है। तो दोस्तों ये रिस्क अलाउंस मिलते हैं आपके जिस क्षेत्र में ड्यूटी होती है उस क्षेत्र में। रिस्क अलाउंस के बारे में एक पहले मैंने वीडियो बनाया था, फिर भी इसमें मैं बता रहा हूँ कि रिस्क अलाउंस का मतलब हो गया कि आप जिस क्षेत्र में, जैसे अगर कश्मीर में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको टॉप रिस्क अलाउंस मिलेगा यानी सबसे हाई, अगर आप जम्मू में रह रहे हो तो बिल्कुल मिडिल मतलब बीच का रिस्क अलाउंस मिलेगा, अगर आप बिल्कुल प्लेन जैसे अजमेर जयपुर दिल्ली जैसी सिटी में रहोगे तो आपको वहाँ पर सबसे लो रिस्क अलाउंस मिलता है दोस्तों। तो ये पेमेंट के जो मंथली सैलरी आते हैं उसके अलावा जो मंथली सैलरी में एड होता है रिस्क अलाउंस, लेकिन एक अलग रूप से पैसा मिलता है दोस्तों। अब इसके अलावा आपको जो पैसा मिलता है वो एचआरए का हो गया, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, और इंक्रीमेंट साल में 1 बार यानी आपकी 1 साल में पेमेंट 3 बार बढ़ती है दोस्तों, 1-2 बार डीए यानी जनवरी में और जुलाई में, और 1 बार इंक्रीमेंट जो आपकी पेमेंट की सालाना इंक्रीमेंट बढ़ती है दोस्तों। तो ऐसे करके आपकी पेमेंट चलती है और इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के फंड पैसे मिलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं पैरामिलिट्री में, आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी अगर किसी के पैरामिलिट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो।